सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीरे दाखला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 20 जून तक अहम सियासी फैसले हो जाएंगे कि सियासी ऊंट किस का। IMF से छुट्टी, दोस्त ममालिक की मालियाती कुट्टी, नून लीग फारिग, गरीब तबाह बर्बाद, आटा डॉलर महंगा और नायाब, ये हैं हुकूमत के हालात। ये 24 करोड़ लोगों की ख्वाहिशों और खुशियों का खून कर रहे हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि आसिफ सरदारी ने कहा है कि इलेक्शन मैं कराऊंगा, फजलुर रहमान ने कहा इलेक्शन मैं कराऊंगा, नवाज शरीफ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो इलेक्शन होगा, 20 जून को फैसले हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंसूबा साजों ने ज़मीनी हकायक से आंखें बंद कर रखी हैं, कौम अल्लाह और अदलिया की जानिब देख रही है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की का पोस्टमार्टम किया है और हुकूमत शादियाने बजा रही है। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ, जानिए बजट ट्रांसमिशन में सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।